हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल अनमोल वचन। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, घर पर करें मिल्क फेसियल और पाएं दो दिन में गोरा और खूबसूरत चेहरा। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। गर्मियों में स्किन की केयर और भी ज्यादा करनी पड़ती है। आज की ये वीडियो मैं उन महिलाओं के लिए लेकर आई हूँ जो अपनी स्किन को ग्लोइंग और सुंदर देखना चाहती हैं। चाहे शादी हो या पार्टी हो या कोई भी अन्य फंक्शन हो, ये जरूरी नहीं कि आप किसी भी खास अवसर पर तैयार होने के लिए पार्लर जाएं। यदि आप अपने चेहरे को घर पर ही खूबसूरत और सुंदर देखना चाहते हैं, वो भी गर्मी में, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें, जिससे आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए सबसे महंगा मिल्क फेशियल लेकर आई हूँ, जिसे आप अपने घर पर ही बहुत ही आसानी से और बिल्कुल ना की मात्रा में खर्च करके कर सकते हैं, और इसके यूज से आपकी स्किन गर्मियों में भी खूबसूरत और चमकदार बनी रहेगी। लेकिन इसके लिए आपको हमारे वीडियो को अंत तक देखना होगा। आइए अब जानते हैं कि इसे कैसे करना है। इस फेशियल में हम कच्चे दूध यानी कि रॉ मिल्क का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक एसिड होता है जो पिगमेंटेशन को रिमूव करता है। कच्चे दूध में कैल्शियम, विटामिन और प्रोटीन्स होते हैं जो ड्राइनेस को रिमूव करते हैं। एक्नेस, स्टार्च और पिंपल्स को भी हटाने में ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। अब आइए जानते हैं इसके तरीके। इसे हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। हमारा फर्स्ट स्टेप होगा स्टीमिंग। इसके लिए किसी बड़े बर्तन में पानी को गर्म करके अपने फेस के सामने रखें और ऊपर से कोई टॉवल या कपड़ा ओढ़ लें और 10 मिनट के लिए अपने फेस पर स्टीम लें। आप इसे स्टीमर की मदद से भी ले सकते हैं। सेकंड स्टेप, क्लींसिंग। क्लींसिंग के लिए आप एक बाउल में कच्चा दूध लें और कॉटन की हेल्प से अपने फेस को क्लीन कर लीजिए। थर्ड स्टेप, स्क्रबिंग। स्क्रबिंग करने के लिए आपको चाहिए 1 चम्मच सॉल्ट यानी नमक और 2 चम्मच दूध। अब आप इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। फिर आप इस पेस्ट को अपने चेहरे पर हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में स्क्रब करें। ध्यान रहे, इस स्क्रबिंग को हल्के हाथों से ही करना है, ज्यादा तेजी से ना करें, क्योंकि इसमें हमने सॉल्ट ऐड किया हुआ है और अगर हम इसे ज्यादा जोर से रगड़ेंगे तो ये हमारी स्किन को डैमेज भी कर सकता है, इसलिए आपको इसे हल्के हाथों से ही रब करना चाहिए। फोर्थ स्टेप, फेस पैक। इसके लिए हमें चाहिए हनी और कच्चा दूध। अब आप एक बाउल में 3 चम्मच दूध लें और 2 चम्मच शहद को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसे आप अपने चेहरे के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। अपने चेहरे पर लगाते हुए 5 मिनट तक मसाज कीजिए और फिर 15 मिनट तक ऐसे ही सूखने के लिए छोड़ दीजिए। जब 15 मिनट हो जाए तो आप अपने चेहरे को ठंडे पानी से धो लीजिए। इसके यूज से आपकी स्किन स्पॉटलेस और ग्लोइंग चमकदार बन जाएगी। अगर आप चाहें तो आप अपने फेस पर इस पैक के बाद आइस क्यूब की हेल्प से मसाज भी कर सकते हैं। अब आते हमारे फिफ्थ स्टेप, टोनर पर। इसके लिए हमें चाहिए एलोवेरा जेल और कच्चा दूध। आप इसमें थोड़ा सा एलोवेरा जेल और 1 चम्मच कच्चा दूध लेकर अच्छे से मिक्स कर लीजिए और एक कॉटन की हेल्प से अपने चेहरे पर 10 मिनट तक लगाइए, यानी तब तक लगाएं जब तक ये आपकी स्किन में एब्जॉर्ब ना हो जाए। इसमें हमने एलोवेरा का यूज इसलिए किया है क्योंकि ये हमारी स्किन को स्मूथ और एक्ने और पिंपल से निजात दिलाता है, और कच्चा दूध हमारी स्किन को मॉइस्चराइजिंग करता है। इस तरह से आप इन 5 स्टेप को करके अपने फेशियल को कंप्लीट कर सकते हैं और पा सकते हैं खूबसूरत और चमकदार चेहरा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल अनमोल वचन को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।